तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बनाना, मीडियम साइज़ का है। मैं इसको एक मिक्सर के छोटे वाले पॉट में इसको डालकर अच्छा बारीक मिक्सर में पीस लेती हूँ। बस हमको इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए, हमको इसमें पानी डालकर नहीं पीसना है, हमको इसको ऐसे ही पीसना है, ठीक है। अब मैं इसको एक कटोरी में निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो इसकी पेस्ट ही है केले की, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो आज हम करने वाले हैं बनाना फेशियल, ठीक है। तो फिर मैं ले लेती हूँ सबसे पहले एक खाली कटोरी, और अब मैं उसमें लूँगी एक चम्मच दूध, ठीक है। एक चम्मच दूध ले लीजिए, और आपको लेना है अभी एक कॉटन बॉल छोटा सा, ठीक है। इससे सबसे पहले हमको क्या करनी है, चेहरे की क्लींजिंग करनी है। तो मैं दूध से, मेरे चेहरे पे मेकअप नहीं है कुछ भी, चेहरे पे मेकअप नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। ये देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल हमको, बाप रे देखो कितने जल्दी, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, बहुत ही ज़्यादा काला अपन चेहरे का निकल रहा है। हम जैसे, आपको पता है हमारे चेहरे पर धूल मिट्टी दिखती नहीं, लेकिन अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा जमी होती है, देख रहे। इसलिए इसको पहले इसे साफ कर ले। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप क्या लीजिए, रोज़ वाटर भी ले सकते हैं। बाप रे अब तो दिखे जाएंगे आपको, देख रहे हो। एक्चुअली देखा जाए ना, इसके अपने को बिल्कुल भी ऐसा लगता है, चेहरा बहुत साफ है, बहुत चमक रहा है चेहरा। और जब इसमें से निकालोगे ना दूध से, कच्चा दूध लीजिए, लेकिन कच्चा दूध से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कॉटन मैंने चेंज कर लिया, फिर भी देखो तो फिर भी निकल ही रहा है। तो अब मैं इसके बाद लेती हूँ एक चम्मच, छोटा सा चम्मच ली, हाँ यानी कि आधा चम्मच है, क्योंकि वो छोटा है ना इसलिए। और इसमें मैं ले रही हूँ बनाना पेस्ट, जो कि हमने मिक्सर में पीस लिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ इसमें, ये देखिए, ठीक है, दूध में। और इससे अब हम मसाज करेंगे अच्छी तरह। आपको क्या करना है, ये पूरी कटोरी मैंने खाली कर ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको अपने चेहरे पर अच्छी तरह से मसाज करनी है। ये वाली जो मेरे स्टेप है, आप ध्यान रखिए इसको, आंखों को उठाने, आईब्रो को ऊपर उठाने वाली, ये देखिए कैची स्टेप, ये दो उंगलियों से। इससे क्या होगा कि आपके जो आईब्रो है ना लटकेंगे नहीं, मैं आपको हर फेशियल में यही बताती हूँ। ये आईब्रो को बिल्कुल अच्छा शेप देती है, और यहाँ की स्किन लटकती नहीं है, ठीक है। प्रेशर पॉइंट भी आपको बता देती हूँ, यहाँ से लेना है, यहाँ नाक के पास यहाँ देना है, यहाँ से यहाँ दोनों भावों के बीच में, ठीक है, फिर यहाँ आँख के नीचे और इधर कान के पीछे, ठीक है। ऐसी तरह अपनों को ये प्रेशर पॉइंट है, इसको दबाते रहिए।
पांच से छह बार आपको ये करना है। कैची चलाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये स्टेप से क्या होगा कि आपके जो यहाँ पे जो फाइन लाइंस होती है ना, झुर्रियाँ जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे नहीं होंगी फोरहेड में, ठीक है। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जिसको डबल चिन की प्रॉब्लम होती है ऐसे, वो इससे एक चेहरे का शेप बने रहता है, ठीक है। इसको पीछे तक ले जाइए ऐसे, ठीक है, ऐसे पिंचिंग। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, चेहरे पे ग्लो आता है और चेहरे की चमक बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमको ये भी करना है, पिंचिंग देना है। यहाँ पे जहाँ पे कालापन आपको लगता है, वहाँ पे सर्कुलर मोशन में अब मैं इसको गीले कॉटन से यहीं पे साफ कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉटन लिया है और साफ पानी लिया है, इससे मैं अपना ये पोंछ लेती हूँ, ठीक है, पूरा अच्छी तरह। अगर आप चाहें तो चेहरा वॉश भी कर सकते हैं। मैंने अपना चेहरा साफ कर लिया, देखिए कितना ग्लो आ गया एक ही बार में। तो अब हमको क्या लेना है, देखिए मैं इसी कटोरी में ले रही हूँ, ये देखिए खाली कटोरी है, और ये मैं ले रही हूँ इसमें अपना जो पेस्ट बनाए हैं केले का, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ पे मिलानी है कॉफ़ी। देखिए आप कभी भी अगर ये इंग्रेडिएंट जो भी यूज़ करते हो ना, उसको उतना ही लीजिए जितना अपने को ज़रूरत है, ठीक है। देखिए क्या फालतू वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है ना। तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, कॉफ़ी को और केले को, देख रहे हैं आप। ये हमारा हो गया स्क्रब। अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है, चावल का आटा है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इससे मसाज करूँगी अच्छी तरह, ठीक है। ये मैंने पूरा ख़त्म कर लिया, ठीक है। अब हमको फिर से उसी तरह मसाज करनी है जैसे हमने पहले किए थे, ठीक है। सारा प्रेशर पॉइंट दबा लीजिए जैसे हमने पहले किए थे। पिंचिंग कर लीजिए थोड़ी थोड़ी। और 5 मिनट तक ऐसे रहने दीजिए, उसके बाद अपना चेहरा पानी से वॉश कर लीजिए। तो मैंने इसको पूरा वॉश कर लिया है। तो अब हम लेंगे 1 चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं का आटा तो सभी के यहाँ होता है, ठीक है। जितना मास्क में हमको ज़रूरत है उतना ही हम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर आटा लिया है थोड़ा सा, और मैं इसमें ले रही हूँ बनाना की पेस्ट और एक लिटिल स्पून थोड़ा सा हनी, जो कि हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज रखता है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा हनी। ओए गिरा 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 गिरा, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच हनी। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ।
तो ये मैंने मास्क तैयार कर लिया है और अब मैं इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करूँगी, ठीक है। आप चाहे तो हाथों की सहायता से भी इसको लगा सकते हैं। तो इसको मैंने पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लिया है। हम इसका सूखने तक वेट करते हैं और फिर उसके बाद मैं अपना चेहरा पानी से वॉश करके आपको बताती हूँ, ठीक है।